तो एक तरफ परमाणु बम का रिएक्टर स्केल बढ़ गया है, दूसरी तरफ पुतिन की कुर्सी जाने का डर भी बढ़ गया। और इस राज से पर्दा उठाया है ब्रिटेन के सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी के पूरे पूर्व जासूस ने। दावा किया गया कि पुतिन एक साल के अंदर रूस की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और ऐसे में सवाल ये है कि पुतिन का तख्ता पलट कौन करेगा? रूस के अंदर जेलेंस्की से भी बड़ा पुतिन का दुश्मन आखिर कौन बन गया? क्या रूस में पुतिन की सत्ता जाने वाली है? क्या क्रेमलिन से पुतिन की विदाई की तारीख तय हो गई है? क्या पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या क्रेमलिन से पुतिन के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ब्रिटेन के सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक जासूस ने बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है। उसने दावा किया है कि पुतिन एक साल के अंदर रूस की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सवाल है, पुतिन का तख्ता पलट कौन करेगा? रूस के अंदर जेलेंस्की से भी बड़ा पुतिन का दुश्मन आखिर कौन है? ब्रिटेन के सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के जासूस का दावा है कि पुतिन से रूस के काफी लोग नाराज हैं। पुतिन के खिलाफ कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। पर्दे के पीछे पुतिन के खिलाफ बगावत की तैयारी तो अरसे पहले से चल रही है, लेकिन अब पुतिन को क्रेमलिन से बाहर करने की तैयारी भी तेज हो गई है। पुतिन के खिलाफ चल रही साजिश से पर्दा उठाने वाले शख्स का नाम है क्रिस्टोफर स्टीले। क्रिस्टोफर स्टीले MI6 के जासूस रहे हैं। MI6 ब्रिटेन की सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है। MI6 में रहते हुए क्रिस्टोफर स्टीले 2006 से 2009 तक रूस की जासूसी कर चुके हैं। MI6 के पूर्व ऑफिसर क्रिस्टोफर स्टीले का दावा है कि रूस में 20 साल से चला आ रहा पुतिन के वर्चस्व का अब अंत होने वाला है। इसकी बड़ी वजह उनके खिलाफ अंदरूनी बगावत और पश्चिमी देशों की पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि नेटो समेत यूरोप के ज्यादातर देश पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दावा है कि नेटो देश हर हाल में पुतिन को पावर से बेदखल करना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है, पुतिन को कमजोर करना, और इसके लिए बाइडेन समेत नेटो देशों ने जेलेंस्की को भर भर कर हथियार मुहैया कराए। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम सब साथ आएंगे तो मोदी निपट जाएंगे। आज देखें जरा